हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और क्लास नाइन का हम नंबर सिस्टम आज डिस्कस करेंगे। तो नंबर सिस्टम्स में आप नंबर्स के बारे में पहले से जानते हो थोड़े से, तो आपने पहले नंबर्स देखे, नेचुरल नंबर्स देखे हैं, आपने होल नंबर्स देखे हैं, आपने इंटीजर्स देखे हैं। अब हमें इस साल रैशनल्स और इरैशनल्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये नंबर्स जो हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो नंबर्स देखे हैं वो नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। आपके होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। आपका इंटीजर होता है 0 ±1, माइनस में भी होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ये दूर से आते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके −3, −2, 1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन आगे तक। और फिर इसके बाद आते हैं रैशनल्स। रैशनल्स वो होते हैं जो पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। रैशनल्स कौन से होते हैं? जो पी बाय क्यू के फॉर्म में होते हैं। क्यू क्या नहीं होना चाहिए? क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। पी और क्यू क्या होना चाहिए? पी और क्यू इंटीजर्स होना चाहिए, आर इंटीजर्स। तो पी और क्यू इंटीजर्स होना चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, 1/3, 2/5, 3/4, ये सारे नंबर्स कैसे हो गए? ये सारे नंबर्स हो गए रैशनल नंबर्स हो गए। और इरैशनल्स कैसे होते हैं? इरैशनल नंबर्स, इरैशनल। तो इरैशनल होते हैं जब उनको डिवाइड करते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट होते हैं ना रिपीट होते हैं। मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूं आपको, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग का मैं एग्जांपल लिख देता हूं कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग क्या है। फिर हम एनसीईआरटी की आज एक्सरसाइज 1.1, 1.2 पे डिस्कशन करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहें। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग का मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे 2.2.101001001 ना रिपीट हो रहा है ना रिपीट। अब क्या होगा इसके बाद? क्वाड्रा 01 आ जाएगा, पेंटा 01 आ जाएगा। और रैशनल ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे 2.5। अब 2.5 अभी डेसिमल एक्सप्रेशन में, जब आप इसको उसमें बदलेंगे तो हो जाएगा 25/10। फिर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 जा और 5 2 जा, ये हो सकता है आपका 0.333। ये भी एक ऐसा नंबर है, ये ना टर्मिनेट नहीं हो रहा पर रिपीटिंग है। इसमें कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और ये दोस्तों सारे नंबर्स किसके अंदर आते हैं? सारे नंबर्स रियल नंबर्स में आते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है? तो मैं आपको एक बहुत बड़ा, ये देखो आप समझ लो, ये आपका रियल नंबर है। ये क्या सेट है? ये रियल है, रियल नंबर्स। ये आप बना के भी रख लेंगे चार्ट अच्छे डिजाइन में, आपके हमेशा काम आएगा। इस रियल नंबर्स में से ये वाले समझ लो आप इधर इंटीजर्स हो गए। ये वाले कौन हो गए आपके? ये वाला पोर्शन आपका इंटीजर्स का हो, वो सॉरी इरैशनल का हो गया, इरैशनल का। ये वाला पोर्शन आपका रैशनल का हो गया, पूरा रैशनल है, ये पूरा रैशनल है। इस रैशनल के अंदर, इस रैशनल के अंदर, इस पूरे रैशनल में, ये पूरा रैशनल है, ये पूरा रैशनल है। इस रैशनल में कौन आते हैं? इंटीजर्स आते हैं।
इंटीजर्स, इंटीजर्स में कौन आते हैं? ये पूरा इंटीजर का है, इंटीजर्स में आते हैं होल नंबर्स, और होल के अंदर कौन आते हैं? नेचुरल। इरेशनल और रैशनल में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। रैशनल के अंदर कौन आएगा? इंटीजर। इंटीजर के अंदर कौन आएगा? होल। होल के अंदर कौन आएगा? नेचुरल। और ये सब कुछ किसके अंदर आ जाते हैं दोस्तों? ये सब कुछ रियल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये थी बेसिक बात। अब हम इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1, तो एक्सरसाइज 1.1 पे दोस्तों फोकस करते हैं, फिर एक्सरसाइज 1.2 पे फोकस करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 क्या कहती है? तो इस चार्ट को भी आप ध्यान रखना। एक्सरसाइज 1.1 पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, इज जीरो अ रैशनल नंबर? पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? तो आंसर क्या होगा? यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्यों होगा जीरो रैशनल नंबर? बिकॉज इट कैन बी रिटन एज, P by Q जैसा लिख सकेंगे इसको। क्यों? क्योंकि जीरो को आप लिख सकते हैं 0/2, 0/1, 0/3, एज लाइक वाइज 0/0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में होंगे? दे आर इन द फॉर्म ऑफ P by Q। क्यू इज नॉट इक्वल टू वॉट? क्यू इज नॉट जीरो, पहली बात है, क्यू जीरो नहीं होगा। पी और क्यू कौन होंगे? पी और क्यू इंटीजर्स होंगे। P और Q कौन होंगे? इंटीजर्स होंगे, ये बात आप याद रखिएगा। अब दूसरा और ध्यान से सुनिए, हर नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, हर होल नंबर इंटीजर होगा, हर इंटीजर क्या होगा? रैशनल होगा, और हर रैशनल और इरेशनल क्या होगा? रियल होगा। पर हर रियल इरेशनल नहीं होगा, हर रियल रैशनल नहीं होगा, जरूरी नहीं है हर रैशनल इंटीजर हो, जरूरी नहीं। हम आगे देखते हैं, आप साथ में रहें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा हुआ है फाइंड 6 रैशनल्स बिटवीन 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन B/W बिटवीन 3 and 4 थ्री और फोर के बीच में 6 रैशनल नंबर्स लिखने हैं आपको। तो पहले एक काम करते हैं, 3 को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूं मैं, जिससे आपको इंट्रोड्यूस करना आसान हो जाए। तो 3 और 4 में हमें 6 नंबर्स इंट्रोड्यूस करने हैं। तो एक काम करें आप कि 3 को हम लिख देते हैं 3 × 7/7 7 क्यों लिखा? क्योंकि हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए थे। हम चाहे तो 10/10 भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 100/100 भी लिख सकते हैं, ये हमारी मर्जी की बात है। और 4 को क्या लिख दिया हमने? 4 × 7/7 ये कितना हो गया आपका नंबर? ये हो गया 28/7 ये कितना हो गया आपका? 21/7 अब आपको कितने नंबर चाहिए? 21 और 28 में आपके 6 नंबर आसानी से आ जाएंगे। देखो 22/7 23/7 24/7 1 ये कौन सा है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, फोर्थ कौन सा है? 25/7 26/7 और यहां पर आ जाएगा 27/7 तो ये वाला मैं रब कर देता हूं जगह बनाने के लिए। ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है आपका, सिक्स्थ और ले लीजिए, एक नंबर हो गया 27/7 और आखिरी वाला है 28/7 विच इज 4
तो ये आपने कितने इंट्रोड्यूस कर दिए, 6। अगर आपको 7 बोलता तो आप ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। अगर आपको बोलेगा कि 9 करना है तो ऊपर नीचे 10 से कर दो। इसके लिए भी 10 से कर सकते थे, ऐसी कोई खास बात नहीं है। देखिए अगले वाले में आपको मैं और अच्छे से बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, सेकेंड था ये, थर्ड क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स चाहिए। कितने रैशनल नंबर्स? 5। तो 5 के लिए आप ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करके जैसा मैंने पिछली बार किया था वो कर सकते हैं। और अगर आपको और सिंपल बनाना हो तो आप इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 30/50। ये हो जाएगा आपका 40/50। यही प्रोसीजर आप पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते थे। अब 30 और 40 के बीच में तो जितने चाहे उतने डाल सकते हैं आप, है ना। तो आप डाल दें 31 बाय जो आपको जमते हो, 31/50 डाल दो। आप 5 डालना है आपको, 33/50 डाल दो। 32/50 भी डाल सकते थे आप, और आप डाल दें 34/50 डाल दो, 35/50 डाल दो। फिर आप अपने मनपसंद का भी डाल सकते हो कोई सा, 39/50 डाल दो। तो ये इस तरीके से आप डाल सकते हो। तो ये हो गए आपके 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 डाल दिए, और डाल सकते थे आप। और इसको ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करते तो बीच में आप और डाल सकते थे, 99 तक डाल सकते थे। और 1000 से मल्टीप्लाई करते तो और डाल सकते थे। तो और आप जी भर के जितने चाहें, अब ये 34/50 को कैंसिल भी कर दें आप, कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे तो ये हो जाएगा 17/25। क्लियर है? तो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दें। ये जैसे 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 7 जा, और ये 5 से 5 10 जा, तो ऐसे इनको कैंसिल भी कर दें। ये सारे नंबर्स आपके हो गए, 1 2 3 4 मैंने लिख दिए। और आप जी भर के जो चाहे वो कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आइए फोर्थ क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे सॉल्व। और साथ साथ बने रहें, देखिए आपने कितने कम समय में अच्छा कंसेप्ट डेवलप किया। पहला कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल, तो एवरी नेचुरल इज अ होल, यस नेचुरल, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल। और क्यों हो, इसका रीजन भी देना है, तो आप रीजन ऐसे दे सकते हो, नेचुरल्स आर 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी विच आर कंटेंड, जो उसके अंदर है, किसके अंदर है, विच आर कंटेंड इन होल नंबर्स 0 1 2 3, ये इसके अंदर है, इसलिए दे आर द पार्ट ऑफ दिस, नेचुरल नंबर्स आर पार्ट ऑफ होल नंबर्स, तो ये इसके अंदर है, इसलिए ये फोर्थ के फर्स्ट का आंसर था। ये एक्सरसाइज 1.1 चल रही है, ये मैंने आपको फोर्थ के फर्स्ट का आंसर दिया। फोर्थ का सेकंड है, अच्छा ट्रू फॉल्स देना था तो आप इसमें यस की जगह ट्रू लिखिएगा। फोर्थ के सेकंड में एवरी इंटीजर इज अ होल नहीं है, एवरी होल इज अ इंटीजर, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। फिर आप क्या रीजन देंगे कि -2 इज एन इंटीजर, कुछ भी लिख दें, -3 लिख दें, बट नॉट अ होल नंबर। अब फोर्थ के थर्ड में क्या पूछा है आपसे, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, हर रैशनल एक होल है क्या? तो आप देखो,
होल नंबर इंटीजर है, इंटीजर रैशनल है, मतलब होल रैशनल हो सकता है पर रैशनल होल नहीं हो सकता। तो फोर्थ के थर्ड का भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉल्स हो जाएगा। कि एवरी क्या है कि 2/3 या 4/3, 5/7, ये कैसे नंबर्स है, ये नंबर्स कैसे हैं, दे आर रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, बट नॉट होल नंबर्स। पर ये होल नंबर्स नहीं है। और एग्जाम्पल दे सकते हो आप, माइनस वाले भी दे सकते हो, क्योंकि रैशनल में माइनस भी आते हैं। रैशनल में -7 आता है, -7/3 आता है, पर ये होल नंबर तो नहीं है। होल नंबर में तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 आता है। तो ये दोस्तों हमने देखा कि ये क्या था, एक्सरसाइज आपका 1.1 था। 1.1 के सारे क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी के डिस्कस कर लिए आपसे। अब हम थोड़ी सी बात आगे की समझे कि आपको जैसे मैंने कहा कि आप इस नंबर को बनाइए 7/3 को इस रियल लाइन में मार्क करना है, तो 7/3 को रियल लाइन में आप मार्क कर देते हो। जैसे ये जीरो है और 7/3, तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हो आप। क्या ले लेते हो इसका अप्रॉक्स वैल्यू, तो अप्रॉक्स वैल्यू आ जाता है इसका 3 × 2 = 6, फिर डिवाइड करते रहेंगे तो ये आ जाएगा 2.3333 आ जाएगा ऐसा आपका। तो 2.33 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2.3333, इस तरफ आ जाएगा आपका नंबर। तो ये नंबर आपने एक्सप्रेस कर दिया। ये कौन सी लाइन है, ये रियल लाइन है, ये रियल लाइन है। और नंबर को एक्सप्रेस करने का एक और मेथड है रैशनल को, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी हमारे पास जो डिस्कशन है वो इरेशनल नंबर्स को एक्सप्रेस करने का है, कि इरेशनल नंबर्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, इरेशनल नंबर्स को एक्सप्रेस करने का है, तो इरेशनल नंबर्स यूजुअली कौन से होते हैं, तो मैं आपको इरेशनल नंबर्स का यूजुअल बता देता हूँ। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम होते हैं, ये याद रखो आप। स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 5, इस टाइप के नंबर तो हमेशा ही होते हैं। ये नंबर्स तो ये हमेशा ही इरेशनल होते हैं। और भी होते हैं इरेशनल, इरेशनल में मन से भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने वो लिखा था वहाँ पे 2 लिखा था, यहाँ पे 3, चलो 3 लिख दो, 501, और भी कुछ ऐसा बना लो, फिर ऐसा कुछ कर लो, फिर ऐसा कुछ बनाते जाओ आप, ऐसे बढ़ाते जाओ। तो ये कैसा नंबर है, कैसा नंबर है, इरेशनल है। पर ये एक बात पक्की है, गारंटी है, कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो जैसे मुझे मान लो इसको एक्सप्रेस करना है, तो इसको एक्सप्रेस करना है तो इसको तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर रूट 2, रूट 3, रूट 5, इन सब को एक्सप्रेस करने के लिए एक तरकीब है। तो वो तरकीब भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ आपसे, कि आपको रूट 2 को एक्सप्रेस करना है। तो ध्यान से देखो, रूट 2 को एक्सप्रेस करना है तो आप एक काम करें, पहले एक ये राइट ट्राइंगल ले लें, ये इसकी साइड 1 है, ये इसकी साइड 1 है, ये राइट ट्राइंगल ले लिया आपने, और यहाँ पे O मान लेंगे ओरिजिन 0, इसको बढ़ा दें, यहाँ पर 1 है, यहाँ देखिए आप इतना 1 बड़ा 1 लिया तो 2 लगभग इतना आएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 हो जाएगा। ये बहुत ध्यान से देखना है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। ये आ गया आपका। अब मुझे ये 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 लेंथ कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, 1 है। तो ये इसको नाम दे दें, इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये है 1, ये 1 है, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, इसको बेस बोल देते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं। तो ये हाइपरटेन्यूस है, ये पाइथागोरस थ्योरम से आपकी निकल आएगी। तो क्या निकलती पाइथागोरस थ्योरम से, जरा मैं आपको बताता हूँ। इसको आप पाइथागोरस के लिए, इसको थोड़ी देर के लिए इसको H मान लो, क्या मान लोगे, H मान लो।
तो पाइथागोरस लगाओगे तो आप पाइथागोरस आपको आती होगी, एच स्क्वायर हाइपरटेन्यूस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है आपने लिया, वन वन स्क्वायर, ये वन स्क्वायर, ये एच स्क्वायर, ये वन प्लस वन कितना हो गया, वन स्क्वायर वन, वन स्क्वायर वन, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन टू, एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट टू। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, ये वाली डिस्टेंस हो गई रूट टू। अब आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा, इसको सेंटर और इसको रेडियस मान के, ये सेंटर और ये रेडियस। तो जब आप यूं सर्कल बनाएंगे, देखो दोस्तों आप ऐसा सर्कल बनाएंगे, इसको सेंटर और इसको रेडियस बना के, तो ये यहाँ पे आएगा आपका नंबर, ये आपका सर्कल हो गया। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा आपका, रूट टू, क्योंकि सर्कल में क्या रहता है, ये रेडियस और ये भी रेडियस ही है, ये नीचे तक रेडियस है, ये सब रेडियस है, तो ये पहला पॉइंट भी आपका क्या हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा। अब यहाँ से भी आप एक राइट ट्राइंगल ले लें, राइट ट्राइंगल लिया आपने, ये लिया राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल तो आप बना लेते हो 90 डिग्री से आपने बना लिया, ये 90 डिग्री, और इसकी लेंथ भी कितनी ले लो आप, इसकी लेंथ जैसे आपने ये वन ली, वैसे इसकी लेंथ अगर आप वन ले लेंगे, आप अपने स्केल में लेंगे, तो ये वन हो जाएगा। तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या था, इसको पी वन कह दो, चलो इसको परपेंडिकुलर को क्या कह दो, पी वन कह दो, और इस परपेंडिकुलर को आप क्या कह दो, इस परपेंडिकुलर को पी टू कह दो। तो ये भी एक राइट ट्राइंगल है, देखो ये एक राइट ट्राइंगल है, क्यों राइट ट्राइंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो इसका बेस कौन है, ये दूसरे राइट ट्राइंगल के लिए, ये वाले के लिए इसका बेस कौन है, इसी फॉर्मूले में लगाऊंगा तो ये हाइपरटेन्यूस निकल आएगा। एक काम करते हैं, इस हाइपरटेन्यूस को एच वन कह देता हूं मैं, ये एच वन है, तो ये वाला हाइपरटेन्यूस मान लो कौन सा है आपका, एच टू है, एच टू है। तो एच टू के लिए क्या करोगे आप, एच टू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके लिए बेस ये बन जाएगा, ये राइट ट्राइंगल यूं है, आप इसको शिफ्ट करके देखो, ये बेस है आपका, एच वन स्क्वायर बेस स्क्वायर, फॉर्मूला लगाया पाइथागोरस का, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कुछ भी नाम दे दो उसको, वन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर, ये हो जाएगा वन का स्क्वायर, तो रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा टू, प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा थ्री। तो एच टू की वैल्यू हो जाएगी एच टू स्क्वायर है, तो हो जाएगा एच टू रूट थ्री, तो रूट थ्री हो जाएगा। तो रूट थ्री के लिए फिर ये यहाँ से इसको रेडियस मान के, एच टू कितना हो गया आपका, एच टू हो जाएगा रूट थ्री, और इसको रेडियस मान के ऐसा सर्कल बनाएंगे, तो ये आएगा रेडियस, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, रूट थ्री, क्योंकि ये भी कितना है, रूट थ्री है। इसी तरीके से जब आप इसको रूट थ्री लो, फिर यहां से एक राइट ट्राइंगल और बनाओ, आप एक राइट ट्राइंगल और बनाओ, जब राइट ट्राइंगल बनाएंगे और वो जब जाएगा तो वो इससे जाएगा, किससे जाएगा आपका, टू से। क्यों टू से जाएगा, क्योंकि वो रूट फोर हो जाएगा, और फिर आप इसके आगे 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 के निकालते जाएंगे। तो आपने देखा कि रूट टू को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, रूट थ्री को रिप्रेजेंट कर सकते हो, रूट फोर को कर सकते हो, रूट सिक्स को कर सकते हो, रूट सेवन को कर सकते हो। अगर आप आगे जाना चाहते हो तो जितना आगे जाना चाहते हो उतना कर सकते हो। अगर आपको रूट नाइन को रिप्रेजेंट करना होगा तो फिर आपको कहाँ से लेना पड़ेगा, ये यहाँ से लेना पड़ेगा, इससे धीरे धीरे करके आगे बढ़ो, या ऐसे भी बढ़ सकते हो आप, ये टू ले लो, ये टू ले लो, और ये पाइथागोरस से आ जाएगा टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका रूट एट, तो रूट एट से आपका ये यहाँ पे आ जाएगा, ये रूट एट आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट आपका कितना रहेगा, टू, तो ये टू पॉइंट समथिंग हो जाएगा। फिर आप इसमें कितना जोड़ो, इसमें फिर आपको वन जोड़ना पड़ेगा, वन जोड़ोगे फिर आप पाइथागोरस लगाओगे, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एट प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर एट, इसका स्क्वायर, फिर आप यूं करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो धीरे धीरे करके। तो ये आपको क्या बताया मैंने, ये आपको रिप्रेजेंटेशन, किसका रिप्रेजेंटेशन सिखा दिया, रूट टू का रिप्रेजेंटेशन था, रूट थ्री का रिप्रेजेंटेशन है, इसी से रूट फोर कर सकते हो, और आगे वन वन जोड़ते जाओगे तो आप क्या आ जाएगा आपके पास, रूट फाइव का आ जाएगा, रूट सिक्स का आ जाएगा। तो अब हम देखें कि एक्सरसाइज आपकी 1.2 क्या कहती है,
और फिर आपसे आगे की बातें समझेंगे कि एवरी, ध्यान से सुनिए, 1.2 का पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं 1.2, पहला, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस, इसमें ट्रू फॉल्स है, ट्रू, तो यस ट्रू, क्योंकि इरेशनल और रैशनल ही रियल का पार्ट है, आपने देखा होगा मैंने बनाया था, यहां पे इरेशनल थे यहां रैशनल थे, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू, बिकॉज रियल नंबर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम रैशनल्स एंड इरेशनल्स, रैशनल्स एंड इरेशनल्स, या रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। दूसरा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, ये कह रहा है कि हर नंबर रूट एम टाइप का होगा, जबकि एम कौन होगा, जबकि एम इज अ नेचुरल नंबर, एम कौन है, नेचुरल नंबर, तो जो रियल लाइन है, रियल लाइन कहां से कहां तक फैली है, आप समझ लो, रियल लाइन कहां से कहां तक फैली है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, यहां पे कौन है, जीरो, और क्या बोल रहा है, हर नंबर जो इसका हर नंबर है वो रूट एम फॉर्म का है क्या, एम कौन है, नेचुरल, एम कौन होता है, एम होता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो जीरो है क्या उस फॉर्म में, भाई जीरो होता तो यहाँ पे अंडर रूट जीरो, एम की वैल्यू जीरो भी हो सकती थी, तभी तो ये आता, इसमें तो कुछ पर्टिकुलर नंबर्स आएंगे, कौन कौन से पर्टिकुलर आएंगे, रूट वन आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा, ये आ सकता है, 2 आ सकता है रूट 4 रखने से, पर ये बीच के नंबर्स का क्या होगा, नेगेटिव नंबर्स कैसे आएंगे, तो इसका आंसर होगा फॉल्स, सेकेंड का, सॉरी, फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का आंसर ट्रू, फर्स्ट के सेकेंड पार्ट का आंसर फॉल्स, फॉल्स क्यों फॉल्स, तो आप लिख सकते हो बहुत सारे रीजन है फॉल्स, क्योंकि इसमें जीरो, जीरो, जीरो कैनॉट बी रूट एम, जीरो कैसा नंबर है, जीरो लाइंग ऑन लाइन, लाइंग ऑन लाइन, रियल लाइन, लाइंग ऑन रियल लाइन बट cannot be root m because m is equal to क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे ही आप negative भी दे सकते हो कि -2, 0 है, -2 है, -2 भी लिख सकते हो आप, -2 be lying on real line which cannot be root m, क्योंकि इसमें तो सारी values कौन सी होंगी, इसमें तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। थर्ड है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो ये भी आंसर फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि थर्ड, फर्स्ट का थर्ड फॉल्स, क्यों फॉल्स है, तो आप वो चार्ट याद करो, देखो उस चार्ट में कितना सब लिखा हुआ है, ये रियल है पूरा, पूरा कौन है, रियल है, इसमें से ये इरेशनल है, तो हर रियल इरेशनल होगा क्या, नहीं, हर रियल इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है, हर इरेशनल रियल हो सकता है पर हर रियल इरेशनल नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर आएगा आपका क्या आएगा इसका दोस्तों, आंसर फॉल्स आएगा, तो फॉल्स आएगा इसका आंसर, और आपको जो स्टेटमेंट देना है कि जिससे जस्टिफाई करना है आपको, तो आप लिख दीजिए कि टू
इज अ रियल नंबर, रियल नंबर बट नॉट एन इरेशनल नंबर. तो ये था आपका पहले के तीनों सवालों का आंसर. अब इसका क्वेश्चन नंबर टू देखिए. क्वेश्चन नंबर टू, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल. ये कह रहा है कि सेकंड में कि जितने भी ऑल स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव, यानी स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल होगा. क्या इरेशनल होगा? क्वेश्चन है तो आंसर आएगा नो. आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा नो. क्यों? स्क्वायर रूट ऑफ फोर क्या होगा? टू होगा. स्क्वायर रूट ऑफ नाइन क्या होगा? थ्री होगा. ये कैसे नंबर्स हैं? ये तो रैशनल नंबर्स हैं. आर दे इरेशनल? हाँ, कुछ होते हैं इरेशनल, जैसे स्क्वायर रूट थ्री है, स्क्वायर रूट फाइव है, स्क्वायर रूट सेवन है. अगर इसकी जगह ऐसा लिखा रहता कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम, जैसे मैंने बताया था स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम, तो फिर वो इरेशनल हो जाता, पर ये इरेशनल नहीं होगा. अब आपको क्वेश्चन नंबर थ्री में कहते हैं कि शो द हाउ रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. रूट फाइव को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप नंबर लाइन में? तो मैंने जैसे आपको रूट टू के बाद बताया था, जो रूट टू की एक एक्सरसाइज कराई थी, ये थर्ड वाला है आपका. रूट टू की मैंने आपको एक कराई थी कि आप यहाँ पे क्या लोगे, यहाँ वन वन ले लो तो ये कितना आता है आपका रूट टू. फिर आप ये बना दें, ये कितना हो गया रूट टू. फिर आप यहाँ से एक वन यूनिट का लेते हैं, फिर आप यूँ कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका रूट थ्री आ जाएगा. फिर आप यहाँ पर वन यूनिट का ले लें 90 डिग्री बनाते हुए, जैसे मैंने आपको सिखाया था उसी तरीके से बनाना. आप ये 90 डिग्री बनाते हुए लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये रूट थ्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका रूट फोर. फिर आप यहाँ पर 90 डिग्री बनाते हुए लेंगे तो आपके पास आएगा वन यूनिट, यहाँ जोड़ देंगे तो फिर आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपका रूट फाइव आ जाएगा. ये एक्सरसाइज मैं आपको सिखा चुका हूँ. तो ये था दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 जो हमने सॉल्व की. चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर से कर लें और पूरा वीडियो देखें. और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक देखें, लिंक हिट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो मिलेगा. और आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें. और इन क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर है +1 9 6 8 5 6 9 8 0 5 6 पर मुझे मैसेज कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. अपने टीचर से भी डिस्कस करें इसके बाद और मुझे बताएं. विश यू ऑल द बेस्ट.